और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज सुहाना की शादी है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से था इंतजार, वो पल आ गया है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दूल्हे राजा पिंकू का। अरे वाह पिंकू, कितना हैंडसम लग रहा है। अरे वाह, ऐसे लगता है मेरी दुल्हनिया मेला इंतजार कर रही है। चलो अब जल्दी से घोले पल से उतर जाता हूँ। अरे चलो अब अपनी दुल्हनिया सुहाना के पास जाकर बैठता हूँ। अरे वाह, चलो हम सही वक्त पर पहुँच गए हैं। चलो अब जल्दी से मेरी होने वाली बहू सुहाना की ज्वेलरी ले लेती हूँ। अरे मेरी प्यारी होने वाली बहू सुहाना, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी ज्वेलरी लेकर आई हूँ। अरे वाह सीता राधा, तुम देख रही हो चमेली जी अपनी सुहाना का कितना ध्यान रखने लग गई है। अभी तो शादी भी नहीं हुई है, लेकिन चमेली जी अभी से हमारी सुहाना का बहुत ख्याल रखती है। अरे लिंकी मिंकी, देखो ना सुहाना की डोली कितनी खूबसूरत दिख रही है। शादी के बाद जब दुल्हन विदा होती है ना, तो हमारी सुहाना इसके अंदर बैठ कर जाएंगी। अरे ये क्या, मैं क्या देख रही हूँ, वो डोली के अंदर से तो पिंकी निकल के आ रही है। अरे बस चलो जल्दी से मैं डोली के अंदर से निकल जाती हूँ। अरे तू बैलगाड़ी वाले, तू यहाँ पर क्यों खड़ा है, अब तू जा सकता है। अरे पिंकी तुम इसे क्या कर रही हो, हम तो बैलगाड़ी के अंदर बैठी हुई है। अरे फिर जल्दी से निकल जाना, क्या अंदर बैलगाड़ी में ही बैठी हुई हो। अरे नोली मोली बेटा, बैलगाड़ी में से जल्दी उतर जाने चाहिए ना, नहीं तो तुम दोनों भी बैलगाड़ी के साथ चली जाती थी। अरे वाह, किसी की भी नजर ना लगे मेरे हरे पीले नीले को, मेरे पिंकू और सुहाना की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, और सुहाना को ज्वेलरी भी अच्छे से आ गई है। चलिए पायल जी, सीता जी, राधा जी, स्टेज पर आ जाइए, शादी का टाइम निकलते जा रहा है। अरे हाँ चमेली जी आ रहे हैं। तो लेडीज और जेंटलमैन, यहाँ पर हाल पिनाने की लक्ष्मी स्टार्ट हो गई है। चलो पिंकू बेटा, सुहाना तुम दोनों भी खड़े हो जाओ। अरे वाह, कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मेरी शादी सुहाना से होने जा रही है। चलो अब जल्दी से सुहाना के गले में हार डाल देता हूँ। अरे पिंकू बेटा ये लो हार। अरे वाह, चलो अब जल्दी से ये हार सुहाना के गले में डाल देता हूँ, फिर सुहाना हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। मैं हूँ राजविंदर, लगता हूँ बंदर, फिर भी लोग कहते हैं मुझको छिंदर। ए माई, ये क्या हो रहा है, मेरी सुहाना की शादी हो रही है, मैं ये नहीं देख सकता हूँ। अरे मैं क्या करूँ, मेरी सुहाना की शादी हो रही है, क्या करूँ क्या नहीं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी आंखों के सामने मेरी सुहाना की शादी हो रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे भाई ये क्या, ये लफंगा चोर यहाँ पर क्या कर रहा है, चलो यहाँ पर छुपके छुपके देखता हूँ मैं। आई ला, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, मुझे तो ऐसा लगता है पुलिस यहाँ से जा चुकी है, चलो अब उठकर खड़े हो जाता हूँ। आई ला, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, यहाँ की सजावट देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर शादी हो रही है। अरे भाई ये तो वही सुहाना है जो एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन मेरे वाले इंजेक्शन से ये बड़ी हो गई है। खामखा मेरा 20 लाख का इंजेक्शन बर्बाद हो गया। आई ला, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, अब तो मैंने ऐसा इंजेक्शन चुरा कर लेकर आया है, अगर ये इंजेक्शन वो लड़की को पड़ जाए ना, फिर से वो लड़की छोटी हो जाएंगी। लेकिन भाई जाने दो, ये 20 लाख का इंजेक्शन है, वैसे भी पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे मैं क्या करूँ, चलो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इधर वाली झाड़ियों में ये इंजेक्शन छुपा के चले जाता हूँ। ए माई, अरे ये तो इधर ही आ रहा है, चलो जल्दी से छुप जाता हूँ। चलो मुझे ऐसा लगता है मेरा इंजेक्शन यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। अरे ये क्या, पुलिस की सायरन की आवाज। अरे भाई लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आहा क्या बिरयानी की खुशबू आ रही है, ऐसे लगता है ये शादी में बहुत टेस्टी खाना बना है। अरे ये क्या, पुलिस की सायरन की आवाज आ रही है, चलो भाई जल्दी से बाराती बनकर यहाँ पर बिरयानी ठूस लेता हूँ, फिर पुलिस आने से पहले ही पतली गली से निकल जाता हूँ मैं। ए माई, मैं हूँ राजविंदर, लगता हूँ बंदर, फिर भी लोग कहते हैं मुझको छिंदर। अरे वाह, ये रहा 20 लाख का इंजेक्शन, यही इंजेक्शन लगाकर सुहाना बड़ी हो गई थी, अब तो मेरे पास फुल मौका है, जब सुहाना मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होंगी, फिर से मैं ये इंजेक्शन लगाकर सुहाना को बच्ची बना देता हूँ। चलो अब जल्दी से मैं इंजेक्शन लेकर सुहाना को लगा देता हूँ। जस्ट वेट फॉर मी सुहाना, मैं आ रहा हूँ ये इंजेक्शन लेकर। ए माई, अरे मेरी प्यारी सुहाना, जरा थोड़ा सा झुक जाओ ना। अरे ये लो पिंकू। थैंक यू सो मच सुहाना, चलो जल्दी से सुहाना को हाल पहना देता हूँ। अरे वाह, मैंने तो सुहाना को हाल पहना दिया है। अरे अब ये लो सुहाना बेटे, अब तुम भी पिंकू को हार पहना दो, फिर ये शादी कंप्लीट हो जाएगी। अरे वाह, चलो जल्दी से अब मैं पिंकू को हार पहना देती हूँ। अरे रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती है। अरे मम्मा ये क्या, ये तो छिंदर है। अरे पापा देखिए ना, ये छिंदर मेरी शादी रोक रहा है। अरे सुहाना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब ये इंजेक्शन तुम्हें लगकर ही रहेगा। अरे मम्मा, अरे मम्मा, मम्मा पापा बचाओ ना, अभी ना जाने मुझे कौन सा इंजेक्शन दे रहा है।
अरे सुहाना, तुम कहाँ तक भागकर जाओगी? मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा और तुम्हें तो ये इंजेक्शन लगा के ही रहूंगा। तुमने मेरा बहुत मजाक बनाया है। अरे सुचिंदर, जाए यहाँ से। अरे ये क्या, लजविंदर का बच्चा मेरी चौहाना को परेशान कर रहा है और मैं यहाँ पर खले खले तमाशा देख रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ चौहाना, मैं अपनी चौहाना की जान बचाऊंगा ये इंजेक्शन। अरे मम्मा बचाओ, ना जाने सुचिंदर का बच्चा मुझे कौन सा इंजेक्शन लगाने जा रहा है। मम्मा मम्मा। ए माई। अरे सुहाना, कब तक भागते रहूंगी? मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाकर ही रहूंगा। अरे ये क्या, मेरे लहंगा किस चीज में अटक गया है? अरे मम्मा। अरे ये क्या, मैं तो बाल बाल बची, नहीं तो मैं स्टेज से गिर जाती थी। ए माई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है, चलो जल्दी से सुहाना को इंजेक्शन बिठा देता हूँ। अरे अजय जी जल्दी से चलिए, ना जाने हमारे सुहाना को वो कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है। अरे वाह, मेरा इंजेक्शन लगाना तो हो गया है। अरे ये क्या, मेरी तरफ तो पब्लिक भागते हुए आ रही है, चलो जल्दी से मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अरे सुहाना मेरी प्यारी सुहाना, चलो जल्दी से उठ जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? तो लेडीज और जेंटलमैन, हमारी सुहाना को कुछ हो गया है, जल्दी से सब स्टेज पर आ जाइए। अहली मम्मा, ये क्या, मैं लहंगे के अंदर फंस गई हूँ। अहली मम्मा जल्दी से निकालिए ना मुझे। अरे वाह राहुल जी, मुझे तो ऐसा लगता है हमारी सुहाना पहले जैसी छोटी हो गई है। अरे ये क्या सुहाना बेटी, ये लहंगा तुम्हें बड़ा हो रहा है, चलो जल्दी से मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देती हूँ। अरे दीदी, सुहाना को लेकर इधर आइए, मेरे पास सोफिया का एक ब्लैक कलर का ड्रेस है, हम वो उसे पहना देते हैं। इधर आइए, इधर एक चेंजिंग रूम है। अरे ऐसे नहीं हो सकता है, सुहाना ऐसी कैसी छोटी हो गई? अरे ये क्या, सुहाना तो छोटी हो गई, ये सब छुचुंदर ने किया है, मैं उसे छोलूंगी नहीं। अरे अच्छा लगता है बिचारे पिंकू को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, चलो मैं म्यूजिक बजाती हूँ। धुम धुम अरे नहीं पिंकी, ऐसी म्यूजिक नहीं बजाते हैं, चलो मैं ही बजा लेती हूँ। किसकी शादी हो रही है? अहले पिंकू की शादी हो रही है। अहले पिंकू, तुम ऐसी दूल्हे की जैसी क्यों खले हुए हो? अरे सुहाना बेटे, कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? अहले मम्मा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम यहाँ पर क्या हो रहा है और किसकी शादी हो रही है, और ये पिंकू मुझे दूल्हे की जैसे क्यों दिख रहा है? अरे नहीं सुहाना, तो सब कुछ भूल चुकी है, इसका मतलब ही शादी नहीं हो सकती है। अरे पायल जी, मेरी ज्वेलरी वापस कर दीजिए ना। अरे हाँ चमेली जी, मैं आपकी ज्वेलरी वापस दे दूंगी, अभी आप देख रही है ना क्या माहौल है, और आपको आपकी ज्वेलरी की पड़ी है। चलो सुहाना बेटे, अब हम घर पर जाते हैं। अहले लेकिन मम्मा, हम यहाँ पर क्यों आए थे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अरे सुहाना बेटे, बस कुछ नहीं, हम यहाँ पर फैंसी कंपटीशन में आए हुए थे। अहले ये क्या, यहाँ पर तो शीति मैडम, नैन्सी मैडम सब बैठे हुए हैं। अहले हाँ चलो, मुझे याद आ गया, हमारा तो रिजल्ट आने वाला है, चलो जल्दी से जाती हूँ घर पर और कल की स्कूल की तैयारी करती हूँ, कल हमारा रिजल्ट है। तो लेडीज और जेंटलमैन, यहाँ पर शादी लोग दी गई है, अब आप आपके घर पर जा सकते हैं। अरे ये क्या, मेरा सपना तो अधूरा ही रह गया, मुझे तो सुहाना से शादी करने की थी, लेकिन ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? अरे पिंकू बेटे, चलो घर पर, के तुम्हें भूख नहीं लगी है? अरे हाँ मम्मा, आ रहा हूँ। अरे ये क्या, सुहाना तो छोटी हो गई है, मैंने क्या क्या सपने सजाए थे कि सुहाना मेरी भाभी बनेगी, मैं फिर उसे परेशान करूंगी, लेकिन मेरे पूरे सपने चूर चूर हो गए। चलो अब जाने दो, वैसे भी कल स्कूल का रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर मैं क्या टाइम पास करती खड़ी हूँ, चलो जल्दी से घर पर जाकर स्कूल की तैयारी करती हूँ। आइला चलो जल्दी से इंजेक्शन ले लेता हूँ। आइला ये तो लेटेस्ट न्यूज है, यहाँ से फिर से इंजेक्शन गायब हो गया है, अरे भागो यहाँ से, ये तो भूतिया जगह है, हमेशा यहाँ से इंजेक्शन गायब हो जाता है। तो दोस्तों आ रहा है ना कहानी मजा, देखा ना आपने सुहाना कैसी फिर से छोटी हो गई है। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।